रिश्ते में तो जीजा जी दीदी हैं, बड़ों का सम्मान, छोटों का आशीर्वाद मांग रही हूँ। अब बड़ों का सम्मान करूँ उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। पहले हम गदनी बाग कॉलेज में प्रोफेसर थे, तब वहाँ पर 2005 में रिजाइन करके 2005 में चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े थे, 23,500 वोट मिला था। आप देख रहे हैं बिहार तक। अभी गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, हम बैठे हैं बसपा के प्रत्याशी इंदिरा यादव के पास और इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी राजनीतिक जो विरासत मिली है वह कैसे और किस तरह से, और इस समय चुनावी समर में जो शामिल हैं इनको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। आपके चैनल के धन्यवाद देती हूँ। पिताजी मेरा जो समाज सेवी थे, अब पहले रामदुलारी सिन्हा से भी चुनाव लड़े थे, 500 वोट से हार गए थे। तो आप उस सब तो राजनीति देखी होगी ना, समाज सेवा का, समाज सेवा जरिए से देखते आ रहे हैं। और आपके आपके पति भी साधु यादव जी, अनुरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव जी, यहाँ MLC रहे हैं, MLA रहे हैं, MP रहे हैं, तो वो सब भी राजनीति तो आप देखी होंगी। जरूर देखे हैं, समाज सेवा करते आ रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रही हैं। तो किस मुद्दे पर आप अपने पक्ष में मत मांग रही हैं? बोल रहे हैं मेरे पति जो MP थे, MLA थे, जो भी काम किए हैं विकास के, किसी से जाकर पूछ लीजिए, तो उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं कि अधूरा जो काम है उसको पूरा करेंगे। जो गैप रहा है 17 साल, इस बीच में विकास हुआ या नहीं जनता को बताती हैं कि नहीं? 17 साल जो काम नहीं हुआ है तो जनता बताएगी कि क्या काम हुआ नहीं हुआ है। और जो ये काम किए हैं MP साहब जो काम किए हैं उसको सब लोग कह रहा है, ये ई काम किए हैं, वो काम किया, इतना दिन भाजपा के सरकार में जो भी थे विधायक काम कुछ नहीं किए हैं, उन्हीं का नाम MP साहब के सब लोग नाम ले रहा है। मेरे पति MP थे, MLA थे, MLC थे, बहुत सारा काम किए हैं, जनता के काम किए हैं, उन मेरा भागीदारी है। जो पति बाहर रहते थे तो मेरे पास जो भी आता था उनका हम काम करते थे। क्या क्या विकास हुआ है कुछ आप आइडिया बताएंगे? सामुदायिक भवन हुआ, सड़क हुआ, बहुत सारा अस्पताल हुआ, लाइट लगवाए, पुल बनवाए, इधर दियर में बांध बनवाए, सब चीज़ किए हैं। आपका योगदान क्या रहा है? आप पहले भी चुनाव लड़ी हैं। जो भी आदमी आते हैं, जनता जो भी हो, दुख सुख हो, हमसे भी भेंट करते हैं, हम भी काम करवाते थे उनसे, कह के योगदान देते थे। तो अभी आपको दिमाग में कैसे आ गया कि हम उपचुनाव लड़ें? ऐसा बात नहीं है, जनता की मांग थी, आज जितना काम किए हैं तो बोले जो विकास करेगा उन्हीं को वोट देंगे, जनता के मांग पर हम आए हैं। पार्टी हमको बसपा ने उम्मीदवार बनाया। अच्छा, आप तो गृहिणी के अलावा ज्ञान दान भी करती थी। पहले हम गदनी बाग कॉलेज में प्रोफेसर थे, तब वहाँ पर 2005 में रिजाइन करके 2005 में चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े थे, 23,500 वोट मिला था। तो उसके बाद तो महिलाओं के विकास के प्रति भी तो आपकी बहुत भागीदारी रही होगी। महिलाओं के प्रति जरूर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस पूरे बिहार में लालू जी का, राबड़ी जी का काफ़ी नाम है, आज भी है, तो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? क्या रिश्ते में तो जीजा जी दीदी हैं, बड़ों के समान, छोटों का आशीर्वाद मांग रही हूँ, अब बड़ों का सम्मान करूँ उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। ये थी इंदिरा यादव जी, जो बसपा के प्रत्याशी हैं गोपालगंज उपचुनाव से।
इनका कहना है कि बड़ों का आदर करना और बच्चों को सम्मान देना, यह जो है हमारी सामाजिक विरासत है। ये परंपरा हमने अपने पिता के राजनीतिक काल से भी देखा है और पति के सारे विकास कार्यों को भी हमने देखा है, लोगों को सेवा करने को देखा है। और आम जनता से मैं के निवेदन पर ही बसपा प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। अब जनता को निर्धारित करना है कि इन्हें विधानसभा में जाने का मौका मिलता है या नहीं। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।